पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, जिसमें योगी सरकार के कार्यकाल में अपराध कम होने की बात कही गई है। इसको लेकर गाजीपुर की आम जनता क्या कहती है, आइए सुनते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कुछ मामले में चौंकाने वाली भी है और कुछ मामले में राहत देने वाली भी है। जैसे महिलाओं के यौन उत्पीड़न और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों में वृद्धि हुई है और दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर माना गया है। उसके बावजूद देश के हर कोने में महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चों में यौन शोषण के अपराध बढ़े हैं बच्चों के प्रति। तो ये जो हम लोग निर्भया कांड के बाद जो हम लोगों ने सोचा था कि हम महिलाओं को, बच्चों को और तमाम लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे, तो हम अभी सुरक्षित करने में अभी हम कोसों दूर है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि यूपी में सांप्रदायिक दंगे की घटना नहीं हुई है, लेकिन मैं इस बात को महसूस तो कर रहा हूँ कि कोई सांप्रदायिक दंगा एक स्थापित सांप्रदायिक दंगा भले नहीं हुए, एक सुनियोजित सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, लेकिन प्रदेश में माहौल जरूर सांप्रदायिक बना हुआ है। हाँ, उसका मूर्त रूप हाँ पुलिस प्रशासन यहाँ जरूरत से ज़्यादा मजबूत हो गई है और लॉ एंड ऑर्डर को कभी कभी पुलिस भी अपने हाथ में लेकर के कुछ ऐसे कदम को उठा रही है जिससे अपराध या अपराधी प्रवृत्ति के लोग उस तरह का दुस्साहस नहीं कर पाए। लेकिन लोगों के मन में सांप्रदायिक भय है, लेकिन हाँ पुलिस प्रशासन ने अपने कार्यप्रणाली से और अपने कठोरता से इस तरह के दंगों को उत्तर प्रदेश में होने से रोका है, जो शायद उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए राहत की बात है। स्टेट और या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में या एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है कि नहीं भ्रष्टाचार कम हुआ है, क्राइम कम हुआ है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है या क्राइम कम हुआ है, क्योंकि आए दिन रोज़ क्राइम बढ़ रहा है और ये क्राइम जिस दिन घट जाएगा, चाहे महिलाओं के सवाल पर, चाहे रेप के सवाल पर, डकैती के सवाल पर, कहीं भी देख लीजिए क्राइम तो कहीं घटा नहीं है और रिपोर्ट आना तो आम बात है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ही सामने आकर के बोल रही है तो ये एनसीआरबी क्या चीज़ है, ये तो सरकार के सामने छोटा हो जाएगा।